हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ऑफ द बुक हॉर्नबिल। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 11th यूपी बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मीन्स ऑफ like a portrait means like a photo frame, like a photo frame of a lady which is hanging on the wall. And this beautiful chapter is written by Khushwant Singh. The writer is Khushwant Singh of this chapter. Students, the portrait of a lady, in this chapter the writer is trying to explain the beauty of a lady. Okay, let's start the chapter in Hindi explanation. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी माताजी दूसरी माताजी के मतलब मेरी दादी माँ दूसरी दादी माँ के समान ही बूढ़ी थी। इसमें जो कह सकते हो कि जो नातिन है वो क्लियर कर रही है अपने दादी माँ के बारे में। तो कह रही है मेरी दादी माँ दूसरे लोगों की दादी माँ के समान ही बूढ़ी थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स। कह रही है कि वो बहुत पहले बूढ़ी हो गई थी और उनके चेहरों में झुर्रियाँ पड़ गई थी 20 साल पहले, यानी 20 साल पहले ही वो बूढ़ी हो गई थी और उनके चेहरों में झुर्रियाँ पड़ गई थी। That I had known her, जब से मैं उनको जानती हूँ, यानी 20 साल से मैं उनको जानती हूँ और तब से झुर्रियाँ पड़ गई थी। People said that she had once been young and pretty, मतलब लोग कहते हैं, मतलब जो लोग हैं वो उनकी दादी माँ के बारे में कहते हैं that she had once been young, वो युवा हुआ करती थी and pretty, और बहुत सुंदर हुआ करती थी। And had even had a husband, और उनके एक पति भी थे, यानी कि दादाजी। तो मेरी दादी जी बहुत ही युवा हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर हुआ करती थी और उनके पति भी थे। बट कह रहा है दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये मेरे लिए यकीन करने के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब मुझको यकीन नहीं आता है। तो उसमें बहुत सिंपल सी बात कह रही हैं, जो कह रहे हैं लड़की है जो कह रही है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि बहुत सुंदर थी या बहुत ही यंग थी, क्योंकि जब से उसने देखा है उनको तब से उसने उनको वैसे ही देखा है बूढ़े होते हुए। तो कह रहा है माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द, लिखा है मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो इसमें जो लड़की कह रही है कि मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है यानी को फोटो फ्रेम, ठीक है, उसका वो लोग हिंदी बोलते हैं छाया चित्र। तो जो मेरे दादाजी का जो छाया चित्र है वो मेंटल पीस में टंगा हुआ, मेंटल पीस के ऊपर साइड टंगा हुआ है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में मेंटल पीस वो जगह होती है जहाँ पर लोग छोटी सी जगह बनी होती है, आग वाग जलाते हैं घरों में, बड़े बड़े घरों में आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो आग वाग जलाते हैं उसके ऊपर के हिस्से में वहाँ पर उनका फोटो फ्रेम टंगा हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, उन्होंने क्या पहना हुआ था, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी, उन्होंने एक पगड़ी पहन रखी थी और क्या, और उन्होंने साथ में उन्होंने लूज़ कपड़े यानी लूज़ फिटिंग कपड़े, उन्होंने ढीले कपड़े भी पहन रखे थे। अब उसके बाद जो नातिन है वो कह रही है हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। कह रही कि उनकी जो दाढ़ी थी सफ़ेद दाढ़ी, उसने उनके सीने को मुख्यतः उनके पूरे सीने को छाती को ढक रखा था, यानी इतनी लंबी दाढ़ी थी। और ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो कम से कम 100 साल के तो लगते थे कि वो 100 साल के हैं। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लगते थे कि जिनके एक पत्नी हो और बच्चे हों, जिनके एक पत्नी और बच्चे हों ऐसे नहीं लगते थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगते थे जैसे उनके बहुत और बहुत ज़्यादा grandchildren, नाती और नातिन हों,
ऐसे वो लगते थे लुकिंग वाइज देखने में। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो यंग थी, युवा थी एंड प्रिटी, और बहुत सुंदर थी। मतलब उनके जो दादाजी थे वो देखने में कैसे थे, बहुत बूढ़े टाइप लग रहे थे उसमें फ़ोटो फ्रेम में, और ऐसा लगता था जैसे उनके बहुत ज़्यादा बच्चे हों, बहुत ज़्यादा नाती नातिन हों, यानी बहुत उनकी एज हो चुकी है। बट उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत ही युवा और बहुत ही खूबसूरत प्रिटी थी। अब युवा का मतलब जवान नहीं थी, बट कह सकते हो कि शी वॉज लुकिंग वाइज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल आल्सो। ओके, अब तो वही लड़की कह रही है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। बहुत अच्छी बात कह रही है वो, कि ये जो विचार था वो एक हास्यप्रद विचार था, यानी हंसने वाली बात थी। मतलब ऐसी भी एक बात थी, इस तरह का विचार था जो लड़की के मन में जो विचार आया था कि दादाजी बूढ़े थे और हमारी दादी जी बहुत ही सुंदर और युवा थी, तो ये एक हंसने वाला एक विचार था उसके मन में। अच्छा, उसके बाद सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमेशा हमसे कहती थी अस ऑफ द गेम्स, यानी खेलों के बारे में, वो हमेशा हमसे खेलों के बारे में कहती थी। सी उसमें क्या, सी यूज़ टू प्ले एज चाइल्ड, और वो हमेशा खेला करती थी, एक बच्चे के समान खेला करती थी, यानी हमेशा मुझसे खेल के लिए कहती थी, खेल खेलते हैं, आओ खेल खेलते हैं, और एक बच्चे के समान ही खेल खेलती थी वो हमारे साथ। दैट सीम्स क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। इसमें इसने कह रहा है कि दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, ये बहुत ही एक हास्यप्रद लगता था, हंसी मजाक लगता था, अनडिग्निफाइड यानी अशोभनीय लगता था ऑन हर पार्ट, उनके हिसाब से, यानी उनके हिस्से में जो खेल आ रहा है या जो खेल रही हैं, तो ये बहुत ही एक हंसी मजाक की चीज़ लगती थी, और मतलब अनडिग्निफाइड लगता था, यानी कि एक अशोभनीय लगता था उनको, उनके हिसाब से उनकी एज पे आकर ये चीज़ उनको शोभा नहीं देती थी, ऐसा प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रोफेट सी यूज टू टेलस। बहुत इसमें देखिए अच्छी बात कही है उसने, उसने कहा है कि वी ट्रीटेड, हम व्यवहार करते थे इट, हम ऐसा व्यवहार करते थे लाइक द फेबल्स, जैसे कहानियाँ हो, ऑफ द प्रोफेट यानी कि पैगंबर लोगों की कहानियाँ हो, सी यूज टू टेलस, वो हमेशा हमें कहानी सुनाया करती थी, जो कहानी सुनाया करती थी तो वो उन कहानियों पैगंबर की कहानियाँ सुनाया करती थी, तो उन पैगंबरों की कहानियों के समान ही हम उनके साथ व्यवहार करते थे, जैसी हमें कहानी सुनाती थी उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही हम उनके साथ व्यवहार करते थे, यानी कि जो कहानियों में जो कहानी में जो घटना घटती थी उन घटनाओं के आधार पर जो कैरेक्टर्स होते थे उन कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्या करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब इसमें उनकी दादी जी की जो बॉडी फीचर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, जो बॉडी की जो कंडीशन थी उसके बारे में लड़की बता रही है, कह रही है सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से थोड़ी सी छोटे कद की थी, थोड़ी सी मोटी थी एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई थी, हल्की सी झुकी हुई थी यानी वो झुककर चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और कहना कि आड़े तिरछे, क्रिस क्रॉस आड़े तिरछे जो रिंकल्स थे, झुर्रियाँ थी, वो उनके प्रत्येक जगह से प्रत्येक जगह तक दौड़कर जाती थी, यानी कि उनके पूरे चेहरे में, उनके पूरे चेहरे में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ इधर उधर थी। झुर्रियाँ मतलब बुढ़ापे में जो बूढ़े लोगों के जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उन्हीं के बारे में उसने बात की है। और अब यहाँ पर कह रही है नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, हम निश्चित थे शी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा ऐसी ही थी, एज वी हैड नोन, जब से हम उनको जानते थे तब से वो ऐसी ही थी, यानी जो नाती नातिन है वो बता रहे हैं कि जब उनके झुर्रियाँ उर्रियाँ थी तो कोई ऐसा नहीं कि वो अभी पड़ गई हों, जब से हम लोग उनको जानते हैं तब से उनके झुर्रियाँ ही थीं, यानी उन बच्चों ने उनको बूढ़ेपन पे ही देखा हुआ है, मतलब जब बच्चों ने देखा तो वो बूढ़ी हो चुकी थी एक्चुअल में। अब उसके बाद कह रहा है ओल्ड सो टेरबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। कह रहे वो कोई बहुत बूढ़ी नहीं हो गई थी, मतलब कि अभी अभी बूढ़ी हुई हूँ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हैड स्टेड एट द सेम एज, वो ठहरी हुई थी उसी उम्र में, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से वो उस उम्र में ही
ठहरी हुई थी, यानी वो वैसे ही दिखाई पड़ती थी जैसे 20 साल पहले, अभी भी वैसे ही दिखाई पड़ती थी। ये बात बच्चे बता रहे हैं। उसके बाद सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कह रहा सी कुड, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट सी ऑलवेज प्रिटी, लेकिन प्रिटी मतलब प्यारी नहीं थी लेकिन सुंदर थी। सी ऑलवेज, वो कभी भी प्यारी नहीं थी, मतलब प्यारी उनके रिंकल्स ना हो चेहरे पे या झुकना चलती हो, ऐसा तो कहना मुश्किल है, चूँकि जब से बच्चों ने देखा है तब से वो ऐसी ही थी, लेकिन सुंदर थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा ही सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब इसमें जो बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, वो हमेशा लड़खड़ा कर पूरे, या लंगड़ा कर बोल सकते हैं आप लोग, लंगड़ा कर लगभग पूरे घर में चला करती थी, पूरे स्पॉटलेस लड़खड़ा कर या लंगड़ा कर जमीन पर, पत्थरों की जमीन पर चला करती थी। और विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और अपने एक हाथ को उन्होंने अपने कमर पर लगा रखा होता था, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को संभालने के लिए, स्टूप झुकाव, अपने झुकाव को संभालने के लिए उन्होंने अपने एक हाथ को अपने कमर में रखती थी। एंड अदर टेलिंग द बीड्स फॉर हर ऑफ हर रोजरी, और कह रहे हैं कि एक हाथ में, दूसरे वाले हाथ में वो क्या करती थी कि मोती की माला, रोजरी यानी माला जाप करने के लिए लिए रखती थी, वो अपने पास मोती की माला रखती थी माला जाप करने के लिए। उसके कह रहा हर सिल्वर लॉक्स वर सैकर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, उसके लिखा है पुकर्ड फेस, के बहुत इसमें एक बात कह जा रही कि हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर द पेल पकर्ड पेस फेस, तो उनके में सिल्वर करवटें पड़ी हुई थी, ये कह सकते हो कि जो उनके चांदिया बाल थे यानी सफ़ेद बाल थे वो क्या होता है इसका फैले होते थे, इधर उधर बिखरे होते थे, अनटाइडली ओवर द पेल, उनके पीले पड़ चुके और पकर्ड फेस पे, यानी उनके पीले और बहुत जो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और जिस चेहरे में सिलवटें पड़ी थी पकड़, सिलवटों से भरा हुआ चेहरा, पकर्ड फेस सिलवटों से भरा हुआ चेहरा था और पीला चेहरा था, उस पे उनके क्या पड़ी थी, उनके बालों की जो सफ़ेद लटें थी वो पूरे फैली होती थी। एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनविडेबल प्रेयर, और उनके जो ओंट थे वो ना सुनाई देने वाली हमेशा प्रार्थना किया करते थे, यानी उनके ओंट एक ऐसी प्रार्थना करते थे जो सुनाई नहीं देती थी, मतलब कहने का धीरे 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 कुछ ना कुछ वो पढ़ा करती थी, प्रेयर कोई किया करती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेंस, वो ऐसी थी जैसे कि सर्दियों के मौसम में पूरी ज़मीन माउंटेंस यानी कि पर्वतों की घिर जाती है, जिस प्रकार पर्वतों की पूरी ज़मीन वाइट से घिर जाती है वैसे ही उनका चेहरा यानी उनका शरीर था, इतनी खूबसूरत थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब उसने इसमें जो कह रहे हैं कि उनका चेहरा ऐसा था या पूरे सफ़ेद बालों की तरह से सफ़ेद बाल, मतलब जो बाल बाती बताई गई है कि जो बाल थे वो चेहरे पे आ जाते थे, तो कैसी कंडीशन होती थी जैसे कि माउंटेन पर्वतों के ऊपर सर्दियों के मौसम में पूरा वाइट यानी कि बर्फ गिर गई हो, पड़ गई हो, ऐसे ही उनका के बालों के उनके सिर के बारे में बताया गया है। और फिर कह रहा है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कह रहा है कि एक फैलाव था प्योर सफ़ेद, प्योर पूरी तरह से सफ़ेद फैलाव, शांति का फैलाव यानी शांति के फैलाव में सफ़ेद, और ब्रीथिंग पीस शांति में सांस चलती थी, कंटेंटमेंट संतोष था यानी कंटेंटमेंट उनके उनके आंतरिक हृदय में उनके सांसों में शांति थी संतोष था, और एकदम सफ़ेदी फैली हुई थी, ये उनके चेहरे उनके भाव और उनके सर के बारे में बात हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। माई ग्रांड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी जी जो थी वो अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने गए थे, मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए थे तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से हम दोनों साथ साथ में हैं,
यानी मैं और मेरी दादी जी, हम दोनों तब से साथ में हैं जब से मेरी माता जी हमको यहाँ, मेरे माता पिता हमको यहाँ पर छोड़ गए थे जब वो शहर में रहने गए थे। सी यूज टू wake me up in the मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। जो मेरी दादी जी हैं वो मुझे हमेशा उठाया करती थी सुबह, जल्दी उठा दिया करती थी, बहुत जल्दी सुबह मॉर्निंग उठा दिया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया कर दिया करती थी, और मुझे स्कूल के लिए मेरी दादी जी तैयार कर दिया करती थी। अब इसके बाद जो है कह रही है कि सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोरियस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड डस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। कह रहे कि कंस्टिट्यूट टुगेदर सी यूज टू वोक मी अप इन द मॉर्निंग, यानी अब उन जल्दी उठा दिया करती थी और क्या करती थी कि मुझे स्कूल को तैयार कर दिया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपनी सुबह वाली प्रार्थना कहा करती थी, कहती थी इन अ मॉरियस सिंग, वह अपनी सुबह वाली जो प्रार्थना थी वो हमेशा कहा करती थी, और वो भी किस भाव में कहती थी हमको ये भी समझना है। तो कहते हैं कि वो नीरस ढंग से, मोडियस यानी नीरस ढंग से कहा करती, बहुत धीरे धीरे कहा करती थी। वाइल सी बाथ, और जब वो नहा लिया करती थी एंड डस्ट मी इन द होप, और तब मुझे नहला देती थी, मुझे नहला देती थी, सी बाथ वो नहला देती थी। एंड अगर देखो बेटा उनके नहाने के विषय में बात हो रही होती कि वो नहा लेती थी तो होता सी टुक बाथ, लेकिन लिखा सी बाथ यानी नहला देती थी। एंड डस्ट मी इन द होप, और मुझे कपड़े पहना देती थी, मुझे ड्रेस पहना देती थी इन द होप, इस आशा में डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं भी सुनूंगी और इसको हृदय से समझूंगी या जानूंगी, किसको, उस प्रेयर को जिसको वो मोनोटोनस माहौल में कहती थी, नीरस माहौल में कहती थी, मैं भी उस माहौल को समझूंगी और जानूंगी, इस आशा में उसको जल्दी जगा देती थी और कपड़े पहना दिया करती थी। और अब कह रही आई लिसन, मैं सुनती भी थी, मैं उनकी प्रेयर को सुनती भी थी, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझको उनकी आवाज़ पसंद थी। ऐसा नहीं कि उसको प्रेयर समझ में आ रही थी या प्रेयर पसंद थी, ऐसा कुछ नहीं था, उसको अपनी दादी जी की आवाज़ पसंद थी, इसलिए वो उस कहानी को सुनती, यानी उस स्लोगन्स को सुनती थी। कहीं आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भावपूर्ण से इसको सुना नहीं, यानी इसको मैंने कभी इसकी प्रेयर को मैंने नहीं सुनी, आवाज़ केवल सुनती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्टेल, और तब वो मेरी लकड़ी वाली स्टेल जो है वो निकाल लाती थी, और उस विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो उन्होंने पहले से धो रखी थी, मेरी वुडन वाली स्लेट निकाल लाती थी, जिसको हम लोग पाटी बोलते हैं, उसको निकाल लाती थी, जिसको पहले से धो रखती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और इसको पीले रंग की चौक से पूरी तरह से रंग देती थी, मतलब रंगी होती थी, पहले से रंगी होती थी, धुली होती थी। आ टिनी लिखा अर्थन इंक पॉट एंड आ रेड पेन, और वो क्या करती थी, एक अर्थन इंक पॉट, मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट देती थी, दवात की बोतल दे देती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन यानी कि लाल रंग का कलम भी दे देती थी। टाई देम, यानी ये सब चीज़ें दे कहते थे, कैसे देती थी समझने वाली बात है। टाई देम ऑल इन अ बंडल, इन सबको एक झुंड में एक बंडल करके बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे वो दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। अब उसमें जो बता रही है कि बहुत समझने वाली बात है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ अ थिक, एक अच्छे खासे ब्रेकफास्ट के बाद, यानी काफ़ी ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्टेल चपाती, बासी चपाती, बासी रोटी विद अ लिटिल बटर, थोड़े से मक्खन के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और इसके ऊपर शुगर चीनी डाल देती थी, वो ये सब इंतजाम करती थी और मेरे को दे देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, यानी दादी जी भी साथ में जा रही हैं, वो लड़की बता रही है कि हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, और अपने साथ वो कुछ बासी चपाती ले जाया करती थी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, यानी गांव में जो कुत्ते होते थे उनको भी खिलाने के लिए वो अपने साथ कुछ चपाती ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी जी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, हमेशा जाती थी। द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था,
इसलिए मेरी दादी जी मेरे साथ जाती थी। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो वहाँ के पादरी थे यानी पुजारी, उन्होंने हमें अल्फ़ाबेट सिखाए थे, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिखाए थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग की प्रेयर भी सिखाई थी। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईथर साइड ऑफ वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस मतलब होता है एक स्वर में चिल्लाना। तो कह रहा है जबकि मतलब मुझको तो दादी मुझको और दादी जी को तो प्रेस ने पुजारी सिखा रखे थे अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर सिखा रखी थी, जबकि जो दूसरे बच्चे थे जो अदर रो पे बैठे होते थे, वरांडा में बैठे होते, हम लोग वरांडा बोलते हैं ना, घर के बाहर वरांडा होता है, उसमें बैठे होते थे गाते हुए अल्फ़ाबेट्स को और प्रेयर को, यानी कि वो पूजा को, प्रेयर मतलब हो गए पूजा को, वो प्रार्थना को और अल्फ़ाबेट्स को इन अ कॉरस एक स्वर में चिल्लाते हुए गाया करते थे वो बच्चे जो दूसरी जगह पर एक रो यानी कॉल रो बनाकर बैठे लाइन बनाकर बैठे हुए होते थे, वो बच्चे गाया करते थे। और हम लोग तो पहले पढ़ चुके थे। माई ग्रांड मदर सैट इन साइड रीडिंग द, लिखा है कि स्क्रिप्चर्स, यानी जो मेरी दादी जी थी वो अंदर जो वो रखे हुए थे स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, उनको पढ़ा करती थी। मेरी दादी जी क्या करती थी, उनको बैठ कर अंदर पढ़ा करती थी, जो अंदर धर्म ग्रंथ हुआ करते थे। व्हेन वी हैड, अब इसमें कह रहा है कि व्हेन, अब दादी जी की पढ़ने के बाद की बात हो रही, व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम लोग दोनों ख़त्म कर लिया करते थे, यानी मैंने अपने प्रेयर पढ़ ली और हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए और दादी जी ने ग्रंथ पढ़ लिए, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग साथ साथ वापस चल देते थे। दिस टाइम, इस समय द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तब हम लोग को इस समय जब हम लोग वापस जाते थे उस समय गांव के जो कुत्ते होते थे वो टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे के पास हमसे मिलते थे, यानी वहीं खड़े मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारा अनुसरण करते थे घर तक, यानी घर तक वो कुत्ते हमारे साथ साथ थे, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, आपस में झगड़ते लड़ते हुए हमारे साथ वो घर तक आते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती उनके सामने फेंकते थे, जो चपाती उनको देते थे, उन चपाती के लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते हमारे साथ हमारे घर तक हमारा अनुसरण करते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब हमारे माता पिता शहर में अच्छे से सुव्यवस्थित हो गए, यानी वो अच्छे से सेटल हो गए, दे सेंड फॉर अस, तो वो हमारे लिए भेजने लगे, यानी हमारे लिए कुछ धन या कुछ जरूरत की चीज़ें भेजने लगे। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और तब हमारी फ्रेंडशिप मित्रता में एक मोड़ आया, मतलब कुछ मित्रता बढ़ी होगी माता पिता से, उसकी नहीं बनती होगी जो भी हो, तो अब उसके कुछ मोड़ आया है। खैर आगे कुछ बात और हो रही है। Although we shared the same room, हालांकि हम लोग सेम रूम ही, जो हम लोग सेम रूम था वही हम लोग शेयर करते थे। My grandmother no longer came to school with me, मेरी माता जी बहुत लंबे समय से स्कूल नहीं आई थी मेरे साथ। माता जी मतलब दादी जी की बात हो रही है। I used to go to an English school in a motor bus, और मैं अब एक मोटर बस में स्कूल पर एक इंग्लिश स्कूल पढ़ने जाया करती थी, मतलब मैं एक इंग्लिश स्कूल जाया करती थी, वो भी किसमें, एक मोटर बस में बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में कुत्ते नहीं हुआ करते थे, चूँकि वो मोटर बस से जाती थी तो कुत्ते उसको मिलते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कर्टयार्ड ऑफ आवर कंट्री हाउस, और हमारे जो कंट्री लिखा है कर्टयार्ड आवर सिटी हाउस, हमारे शहर वाले घर में जो क्या होता था कि जो गौरैया ना पंछी होते हैं मैं उनको भोजन किराए कर दी थी, यानी क्या हो गया कि अब वो लोग क्या हो गया कि वो लोग उस बच्चे को ले गए थे, तो अब वो वहाँ जाकर इंग्लिश स्कूल पढ़ रही थी, और अब ऐसे कहानी थी कि वो कुत्तों को नहीं खिला पाती थी, अब वो स्पैरो को खिलाया करती थी, कुछ ना कुछ दिया करती थी। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी आपका एक पार्ट है इस चैप्टर का, सेकेंड पार्ट आपको जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट आपके पैटर्न में, आपका जो होगा सेकंड पार्ट वो आपको आ जाएगा। अगर इतने पैटर्न में कोई दिक्कत होती है, इस वीडियो में कोई दिक्कत होती है, तो हमेशा की तरह आप डाउट सेक्शन जाएं और अपनी प्रॉब्लम रखें और मैं उनको क्लियर करूँगा। ओके।